आपको पता होगा 2016 में कुलभूषण सुधीर जाधव जो है बलूचिस्तान जो साउथ वेस्ट प्रोविंस जो है वहाँ पे उनको अरेस्ट कर दिया गया। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि वो इंडिया के तरफ से वहाँ पे स्पाई करने गए थे और जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो संवेदनशील जानकारी भारत को भेज रही थी। और आज उसके बाद जब 2017 में कुलभूषण जाधव को वहाँ का जो एक मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनवाई, उनके ऊपर फांसी का आदेश दिया, तब भारत उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको बता दें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो नीदरलैंड हैग में है वहाँ पे अप्रोच किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो हरीश साल्वे जी हैं वो कुलभूषण सुधीर जाधव जी के उनका एडवोकेसी किया वहाँ पे, अच्छे तरीके से भारत का पक्ष वहाँ पे रखा। क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम इंटरनेशनल लॉज को देखें, कस्टमरी लॉ को देखें, कि अगर 1963 वियना कन्वेंशन को देखें, वियना कन्वेंशन में साफ साफ है उसका पैराग्राफ 36(1)(b) के तहत वहाँ पे ये है कि अगर दोनों देश के मामले में कोई डिस्प्यूट हो जाता है एक फॉरेनर्स को लेकर, उनका उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस है, तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका सुनवाई कर सकती है। अभी भारत का भारत के जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट देखिए कि उसको बड़ी जीत बताई जा रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं सीनियर एडवोकेट उनका भी कहना है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। तब हम उसका फैसला कर, पाकिस्तान के हाई कमीशन, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि ये सबसे बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए कि कुलभूषण जाधव का जो ट्रायल चलेगा वहाँ पे, उसका जो केसेस चलेगा वो पाकिस्तानी लॉज के हिसाब से चलेगा। भारत जो है वहाँ पे एक अपना सबमिशन जो था, जो पक्ष रखा था कि जल्दी से जल्दी कुलभूषण जाधव को रिहा कर दिया जाए, भारत में भेज दिया जाए, ये सारा चीज़ जो रखा था, मगर इस चीज़ को अपने फैसले में, अपने जो जजमेंट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो 15 जजेस हैं वहाँ पे, वो इस चीज़ को नहीं रखा। और पहले जो पाकिस्तानी जज वहाँ थे वो तो शुरुआत से उसका विरोध करते आ रहे थे। अभी देखना है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जजमेंट पास की है कि ये जो फांसी का जो सजा सुनवाई गई है कुलभूषण जाधव को के खिलाफ, उस चीज़ को दोबारा रिकंसिडर करे, रिव्यू करे, उसका एक जजमेंट दिया था, और वो पाकिस्तानी कानून के हिसाब से वो जो इतना ट्रायल है वो सारा ट्रायल होगा। अभी क्या हो सकता है फ्यूचर में, अभी ये मैटर चलेगा वहाँ पे, ट्रायल दोबारा होगी। और जो जहाँ तक एक सबसे बड़ा शब्द आप लोगों ने सुन रहे होंगे कि एक्सट्राडिशन एक्सेस को लेकर, एक्सट्राडिशन का मतलब होता है कि कोई भी देश जब एक एक्यूज्ड को, एक क्रिमिनल एक्यूज्ड को दूसरे देश के बीच में एक साझा होता है उसके, उसी के तहत एक्सट्राडिशन एक्सेस के तहत उसको पे स्थानांतरित या हस्तांतर कर दिया जाता है। अभी एक ट्वीट आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री से ये हुआ कि अगर इंडिया एडमिट कर लेती है कि कुलभूषण सुधीर जाधव जो हैं स्पाई का काम करते, तो पाकिस्तान को सुधीर जाधव को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर ये हुआ है, दोनों देश में अभी अभिनंदन को उन्होंने छोड़ दिया है पुलवामा अटैक के बाद, और बिना शर्त अनकंडीशनली छोड़ दिए हैं, जो कि कोई सैनिक वहाँ पे गया था तो ऐसे तो कोई समोसा खाने के लिए नहीं गया था, वो वाकई वो एक सैन्य अभियान था, उसी के तहत उन्होंने वो पैराशूट में गिर के वहाँ पे रहे, उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। तो वकील साहब, एक चीज सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने एक तर्क रखा है इंटरनेशनल कोर्ट में कि ये अपनी पहचान छुपा के यहाँ आए थे, जो इनका असली नाम था वो नहीं था पासपोर्ट पे, दूसरा नाम था, और उसको इंटरनेशनल कोर्ट ने माना भी है कि हाँ आप, आपका तथ्य ये सही है, क्या उसके आधार पे कुलभूषण को छुटना बहुत मुश्किल हो जाएगा? नहीं, कुछ एड्रेस का हो सकता है, इसका वो ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किया गया था उसको, उसका एविडेंसरी वैल्यू कितना है, हो सकता है फर्जी तरीके से पासपोर्ट पे नाम बताया गया है साहब के वाली कुछ पटेल करके जो है, हाँ। तो वो तो जिस पासपोर्ट से वो गए हैं बिहार में
नाम इनका कुलभूषण है यहाँ पर, और फिर इनको सेवा में बताया गया है, ये सेना में रहे हैं, तो वो उन्होंने तर्क रखे हैं उस चीज़ पर, और उसको कोर्ट ने माना है कि ये सही है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं, पाकिस्तान से सरफ से यही है, लेकिन उसका कोई जांच तो सही तरीके से नहीं हुआ। इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को उसका पासपोर्ट के लिए उनको बुलाया जाना चाहिए था, उनका दहलीज को, उनका डॉक्यूमेंट को सुनना चाहिए था कि उसको वो सारा चीज़ इश्यू कैसे हुआ था। दूसरी बात है, बिना वीसा के वो कैसे गए, बहुत सारी चीज़ सामने आती है। तो ठीक है, उसके लिए बातचीत होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर सही में पाकिस्तान अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर ये होना चाहिए, आप देखिए उसका जो अधिकार है वियना कन्वेंशन जो है 1963 का, उसके अधिकार के बारे में इतने साल से उसको बताया ही नहीं गया कि इसका इतने इतने अधिकार है। क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तोहफा नहीं है? ये क्या इंटरनेशनल लॉ की तोहफा नहीं है? पूरी तरह से उल्लंघन किया पाकिस्तान ने उसको। पहले तो एक फेयर ट्रायल कब होता है कि आप मुलजिम हैं, आपके इतने अधिकार हैं, ये तो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 आपको अधिकार देता है 10 दिसंबर का, यूएन चार्टर का आप हवाला दिए, ह्यूमन राइट्स का उसका वायोलेशन हुआ है। 3 साल तक आपने वहाँ पे एक तरीके से उसको रखा गया, उसको पता है उसको फांसी होने वाला, ये होने वाले को डरा धमका, 3 साल बहुत होता है, उसका ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट के साथ साथ ही ह्यूमन राइट्स का भी इशू सबसे बढ़ के सामने आ जाता है। सर, एक चीज़ और सामने आ रही है कि कुलभूषण को जब पाकिस्तान में उनकी सुनवाई चल रही तो उनका वकील नहीं दिया गया उनको पक्ष रखने के लिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ को फेयर ट्रायल कैसे कहोगे? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक उसके हिसाब से उसको जो चाहता है आपके उसके अधिकार के बारे में बताया जाएगा, उसको एक वकील मुहैया कर दिया जाएगा। तो अगर दो चीज़ नहीं है तो आपने केस को कैसे, ही इज़ नॉट ए लीगल एक्सपर्ट। और पाकिस्तान के लॉ कितना है, पाकिस्तान लॉ को जितना जानता है वो है एक एडवोकेट, उसी हिसाब से उसको अच्छा से वो फेयर ट्रायल इसको उसका एडवोकेसी कर सकते थे। तो ये सारा चीज़ मामला जो ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है, वियना कन्वेंशन का वायोलेशन हुआ है, ये सारा चीज़ को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ मोस्ट रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको संज्ञान लेना चाहिए था। ऑलरेडी 3 साल तक इसका ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है, उन दौरान वो टर्चर भी हुआ होगा, और वो सारा अथॉरिटी को इंडिया और पाकिस्तान दोनों पक्ष को सुना है, और ये क्योंकि जो फांसी का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है उसको अभी फिलहाल उसके ऊपर स्टे है, और उसके बाद फिर उसको ऊपर भी कंसिडर होगा पाकिस्तान। सर, इधर एक बात समझ में नहीं आ रही, इधर इंडिया कह रहा है कि हमारी जीत हुई है, उधर पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी जीत हुई है, अब जो आगे भी जो भी काम होगा वो पाकिस्तान के कानून के अनुसार होगा, तो ये समझ में नहीं आ रहा है जीत किसकी हुई है। जीत हार के फैसला अभी इतने जल्दी करना मुश्किल है, भारत को अभी जीत हुई है सही मायने में देखा जाए तो। पाकिस्तान ऑलरेडी फैसला सुना चुका था, पाकिस्तान के कोर्ट ने फांसी का ऑर्डर दे चुका था और उसको स्टे मिल गए, तो ये आप कह सकते हो भारत का जीत है। नहीं सर, इंडिया की तो मांग ये थी कि इनको छोड़ा जाए, बरी किया जाए वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, हर चीज़ का एक कानून भी है ना, वहाँ पे उनको बलूचिस्तान के प्रोविंस में उसको नॉर्थ साउथ वेस्ट प्रोविंस में उनको पीए किया गया, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो सैन्य जो मार्शल कोर्ट है, सैन्य कोर्ट है, वहाँ पे उनको फैसला सुना दिया गया, तो अभी उसको रिकंसीडर के बाद। और दूसरी बात है कि अच्छे तरीके से एमिकेबली अच्छा होगा जब उसके बाद फिर जजमेंट देगा, तो उसके बाद हम लोगों के पास रास्ता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं। अभी एक भी एक हम लोगों के पास एक एक रास्ता है। सर, आप भी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपका अनुभव भी है सर ह्यूमन राइट्स का भी, क्या लग रहा है सर आपको कि ये जो अब आगे जो फैसला आएगा क्या भारत के पक्ष में आएगा, कुलभूषण जो है वो सही सलामत भारत लौट पाएंगे? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और मुझे जो लग रहा है, मुझे जो लग रहा है उनको जस्टिस मिल जाएगी। जिस प्रकार से अब देखा जा रहा है सर कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत नरमी बरती जा रही है, अब एयर स्पेस भी खोल दिया गया है, आपने भी अभी बताया अभिनंदन को भी छोड़ दिया गया है, उधर से बात करने की भी बार बार कोशिश की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अब अपने आप में सुधार ला रहा है? एक उन्होंने हाफिज सईद को भी अब उन्होंने जेल में डाल दिया गिरफ्तार कर लिया, क्या कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, और किसी भी प्रकार का टेररिस्ट एक्ट, किसी के प्रकार का युद्ध किसी भी देश के लिए ये कभी भी शुभ नहीं होता, शांति अमन चैन के लिए सही नहीं होता है। और जितने जल्दी जो आवाम है, भारत के आवाम हो या पाकिस्तान के आवाम हो, ये किसी भी आवाम के लिए युद्ध होना, खून खराबा होना, किसी भी के लिए ये कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए, उसके शांति के लिए, अमन चैन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहीं ना ये शुभ संकेत नहीं है।
क्या जो इमरान खान जो अपने चुनाव में वादा करके आए थे न्यू पाकिस्तान का, क्या उस एजेंडे पे वो सही चलते दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो अपनी छवि बना रहे हैं सब लोगों से बात कर? नहीं, अभिनंदन जी को अनकंडीशनली छोड़ा गया और हफीज सईद को जेल में रख देना और एयर स्पेस खोल देना, हाँ एयर स्पेस भी खोल देना, ये सारा चीज धीरे धीरे करके, यही तो कह रहा हूँ, दोनों देश के लिए कभी ये मुल्क एक साथ था, ठीक है, एक ही था, बट जितने जल्दी दोनों राष्ट्र के जो लोग जितने जल्दी इसके ऊपर अमल करेंगे, अच्छा से बैठ के बात करके नॉन वायलेंट तरीके से एक अच्छा एक परिस्थिति लाके एक सिचुएशन लाके इसको अगर अमल में लिया जाए तो दोनों देश तरक्की कर सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए जो समझौता एक्सप्रेस का उन्होंने कराया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो एक प्रयास जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है कश्मीर में सबसे ज़्यादा डिफेंस में इतना पैसा खर्चा होता है, वो इंडिया के डेवलपमेंट में भी लगाया जा सकता है, अगर उसमें अगर नॉर्मल सी आ जाता है, शांति हो जाता है, तो ये दोनों देश के लिए फ़ायदा है। कोई भी आवाम नहीं चाहेगा कि युद्ध हो और किस तरह का ऐसे परिस्थिति हो कि जिसमें नुकसान हो। सर इसकी कोई जानकारी है? अभी लास्ट सवाल ये है मेरा कि अब अगली सुनवाई कब होगी कुलभूषण जाधव को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में, कब तक? नहीं, जो उम्मीद की जाए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इसके ऊपर जो डायरेक्शन है कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक रिकन्सिडर किया जाए, ऐसा कोई सच तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि कौन सा डेट, ऐसा डेट फिक्स नहीं, वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता कितनी जल्दी वो कर दें। हाँ, अभी फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हम वहाँ से लेकर आए हैं, अभी पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से वो कानून चलेगा, बट एक चीज़ है कि अभी एक निगरानी इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, अब इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं, ये भी एक जीत है कि अभी फिलहाल जो भी कोर्ट में चलेगा उसको भी चैलेंज हम कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से ट्रायल नहीं हो रही है। पहले तो हम उसको एडवोकेट वहाँ पे जब नहीं मिली तो उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, अभी इतना है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट पे जा सकते हैं कि अभी जो कुलभूषण सुधीर जाधव जी का ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कत हो रही है उनको ट्रायल में, ये चीज़ होता है, ये गलत है, ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का सही तरीके से नहीं हो रहा है, और ये अल्टरम पैटर्न जो है एक हर एक एक्यूज्ड को मिलना चाहिए यूनिवर्सल डिक्लारेशन का सेक्शन मैंने 12 का आर्टिकल का, ये सारा चीज़ को हम ला सकते हैं दुनिया के सामने इंटरनेशनल कोर्ट में और पूरी तरह से एक्सपोज कर सकते हैं।